बच्चों, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसका टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम दो प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक साल में कंप्लीट हो जाता है। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट एक साल में कंप्लीट नहीं होता है। तो पहले वो करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट एक साल में कंप्लीट हो जाता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन होता है परंतु कॉन्ट्रैक्ट एक साल से अधिक वर्षों में नहीं पूरा होता बल्कि एक ही वर्ष में पूरा हो जाता है। तो आइए सीखते हैं मैनुअली किस तरीके से कॉपी और पेपर पर हम उसको समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर। हमारे पास यह प्रॉब्लम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से रिलेटेड, और इसमें हम देखेंगे यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, 2, 3। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड द कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, एज्यूमिंग दैट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी वाज ड्यूली रिसीव्ड। इसके बाद हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, इस तरह से हमारे तमाम खर्चे दिए हुए हैं। और लास्ट में ये बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ₹90,000 एंड द कॉन्ट्रैक्ट टू 13 वीक्स इन इट्स कंप्लीसन। बुक हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेक्ट किया हुआ है ताकि जिन बच्चों की इंग्लिश अगर कमज़ोर है तो हिंदी से समझ सकते हैं, और जिनकी हिंदी वीक है वो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। द वैल्यूज ऑफ लूज टूल्स एंड स्टोर्स रिटर्नड एट द एंड ऑफ द पीरियड वर अबाउट 200 एंड 300 रिस्पेक्टिवली। द प्लांट वाज आल्सो रिटर्नड एट बुक वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ ₹16,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 20%। द वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर वाज ₹20,000 एंड द डेप्रिसिएशन वाज टू बी चार्ज टू द ट्रैक्टर एट द रेट 15% पर एनम। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेज आर टू बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑन वर्क कॉस्ट। अब हम सवाल को सोल्व करेंगे। हमारे सामने प्रॉब्लम हमने आपको पढ़ के सुना दिया है, अब सोल्व करते हैं और ध्यान से आप देखेंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पार्टिकुलर्स एंड रुपीज, इस तरह से इसका फॉर्मेट तैयार होगा। इस फॉर्मेट में हम अमाउंट्स को फिल करेंगे। वीडियो अंत तक अगर आप देखते रहेंगे तो आप जो है इसको बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। बीच में स्किप ना करें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम स्किप कर जाते हैं तो समझ नहीं सकते इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है। सबसे पहले नंबर पे ये तमाम खर्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, स्टोरी शूज, लूज टूल्स, इन सबको 1 बाय 1 करके हम यहाँ तक 2650 तक लिखेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल्स है 20,250, 20,250 टू डायरेक्ट वेजेज 15,500, 15,500 स्टोर्स है 10,500, लूज टूल्स 2,500, ट्रैक्टर एक्सपेंसेस टोटल ट्रैक्टर एक्सपेंसेज 15,300। उसके बाद अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसकी वैल्यू 2,650। और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लूज टूल्स और स्टोर्स 200 और 300 रिटर्न कर दिए गए हैं, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे इस तरफ। बाई लूज टूल्स 200, बाई स्टोर्स 3,000, बाई, इसके बाद यहाँ पर एक वैल्यू है कि द प्लांट वाज आल्सो रिटर्नड एट द वैल्यू ऑफ ₹16,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 20%। इसका मतलब है प्लांट को डेप्रिसिएशन काट के हमने वापस कर दिया है 16,000 का, तो प्लांट एट साइट 16,000 इधर लिखेंगे, लेकिन
सोचने वाली बात यह है, अगर 16,000 हमने यहाँ वापस किया है 20% काट कर, तो इसका मतलब ये 80% की वैल्यू है। अगर ये 80% की वैल्यू है तो इसका मतलब है प्लांट टोटल 100% क्या रहा होगा। इसकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्लांट 20,000 इंटू 100/80 कर लेंगे, ताकि हमें 100% के प्लांट की वैल्यू का पता चल जाए। तो प्लांट नहीं, 16,000 इंटू 100/80, क्योंकि हमारे पास 16,000 है, 20,000 नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 100% प्लांट की वैल्यू का पता चल जाएगा। क्वेश्चन को आगे मिलाते हैं, अगला पॉइंट क्या है इसको ध्यान से देखने वाली चीज़ है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्लांट प्रोसेस ट्रैक्टर पर डेप्रिसिएशन है 15% पर एनम, क्योंकि इससे पहले वाले में आपने देखा होगा ऊपर 20% डेप्रिसिएशन था, लेकिन इसमें पर एनम शब्द नहीं लिखा है। तो इसका मतलब इसका डेप्रिसिएशन टाइम के अकॉर्डिंग नहीं काटेंगे, लेकिन ट्रैक्टर का डेप्रिसिएशन पर एनम लिखा है, इसका मतलब इसका डेप्रिसिएशन हम टाइम के अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे। ट्रैक्टर की वैल्यू है 20,000, तो हम डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर जब लिखेंगे तो 20,000 इंटू 13 वीक तक ये कॉन्ट्रैक्ट चला है, 15% का ये कॉन्ट्रैक्ट डेप्रिसिएटेड हो रहा है ट्रैक्टर, तो इसका डेप्रिसिएशन आ गया 750। इसके बाद क्वेश्चन में लास्ट लाइन लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस आर टू बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑन वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट डेबिट साइड को टोटल करेंगे, क्रेडिट को माइनस करेंगे, डेबिट का टोटल होगा, क्रेडिट को माइनस करेंगे तो आएगा वर्क कॉस्ट। तो भाई वर्क कॉस्ट कैरी डाउन कर लेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट करने पे हमें पता चलता है। कैलकुलेटर्स को सोल्व कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कितना रुपया हमारे पास आता है। 20,250 प्लस 15,500 प्लस 10,500 प्लस 24,000 प्लस 53,000 प्लस 26,500 प्लस 20,000 प्लस 750, ये आया हमारा टोटल 77,350। इधर भी लिखेंगे 77,350 और इनको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा, इनको माइनस करने पर हमें प्राप्त हुआ 58,150। ये हमारा वर्क कॉस्ट है, इस वर्क कॉस्ट को हम ब्रॉड डाउन करेंगे। इसके बाद हम वर्क कॉस्ट को ब्रॉड डाउन करेंगे नीचे वाले हिस्से में। वर्क कॉस्ट को ब्रॉड डाउन करने के बाद यहाँ लिखेंगे टू वर्क कॉस्ट ब्रॉड डाउन, और ये 58,150। इसका 10% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज 5,815, और यहाँ पर हम जो है लिखेंगे बाई कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, जो ठेके का पैसा है टोटल, यह ठेका यानी यह कॉन्ट्रैक्ट 90,000 का है और अब ठेका कंप्लीट हो चुका है, तो 90,000 में से हम 58,150 और 5,815 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रकम प्राप्त होगी वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हुआ 26,035। नेट प्रॉफिट आ गया, हमसे पूछा गया कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट भी बनाइए, तो हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टीज का अकाउंट भी तैयार कर लेते हैं। वेरी इजी, छोटे से स्पेस में ही तैयार हो जाएगा, ये बहुत आसान है। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स रुपीज और पार्टिकुलर्स रुपीज, यहाँ पर हम लिखेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 90,000 का था और पूरा होने पर हमें पूरे के पूरे पैसे मिल गए बाई कैश 90,000। इस प्रकार से हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। बच्चों आपने देखा
कितना हमने इजी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और कॉन्ट्रैक्टेज अकाउंट को दोनों तैयार कर लिया। तो इस प्रकार से आंसर भी चेक कर सकते हैं, 26,035 यानी 26,035 हमारा नेट प्रॉफिट है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि अभी भी आया है। इस प्रकार से आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए,